दिल्ली सरकार के एक और मंत्री विवादों के घेरे में आ गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल ने हिंदू विरोधी बयान दिया है। बीजेपी की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो जारी कर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र पाल गौतम 10,000 लोगों के बीच शपथ ले रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर न माने। इस वीडियो को जारी कर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यही वीडियो है जिसके आधार पर बीजेपी ये सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि हिंदू विरोधी बयान दिया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहने वाले शख्स ने ये बयान दिया है, जिसका ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। 10,000 लोगों के साथ ये शपथ ग्रहण की गई। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी ने ये वीडियो वायरल किया है, हालांकि न्यूज 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करती है। दरअसल मंत्री का विवादित ऑडियो है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, लोगों के बीच में शपथ ली गई है, और इसी वीडियो को लेकर के बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तो दिल्ली सरकार में मंत्री अब किस तरीके से शपथ दिला रहे हैं इस वीडियो में जो जारी किया गया बीजेपी की ओर से, और बीजेपी की ओर से ये वार किया गया है आम आदमी पार्टी पर कि राजेंद्र पाल गौतम किस तरीके से 10,000 लोगों को शपथ दिला रहे हैं। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी के चंगुल में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है जरा आपको सुनवा देते हैं।